हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट इन एमएस एक्सेल। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर चार वीडियो आने वाली है। पहली वीडियो ये है जिसमें आप सीखेंगे सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल इजी। उसके बाद हम सीखेंगे थोड़ा सा हार्ड या मीडियम, कहते हैं मीडियम लेवल। फिर हम सीखेंगे हार्ड, उसके बाद सीखेंगे एक्सट्रीम। तो चार पार्ट में इसकी वीडियो आएगी, ईजी, नॉर्मल, हार्ड, एक्सट्रीम। तो ये जो वीडियो है ये है बेसिक, हम इसमें खाली बेसिक की बात करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बेसिक आप पढ़ने वाले हो इफ स्टेटमेंट की एक्सेल के अंदर, सेम वही बेसिक होगी लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर। हाँ, लेकिन दोनों का फॉर्मुलेशन अलग है, दोनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन दोनों का बेसिक जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आपने अपना बेसिक यहाँ क्लियर किया तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी कारण से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका हमारा अपना YouTube चैनल कैट गुरु। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट की। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, इफ एक स्टेटमेंट है और हर स्टेटमेंट के दो आंसर होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं बिल्कुल ईजी लेवल की, तो हमारे आंसर दो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ कि हम मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच के क्या रिजल्ट हो सकते हैं? या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, लेकिन जीतोगे हारोगे से रिजल्ट है। पहले हम खोजेंगे सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या होता है कि अपोनेंट्स ने कुछ रन बनाए होंगे, अगर मुझे जीतना है तो मुझे उस रन को एक्सीड करना होगा। तो रन एक्सीड करना क्या है? एक सिचुएशन। और रन एक्सीड नहीं कर पाया तो ये भी क्या है? एक सिचुएशन। तो आपके पास हमेशा स्टेटमेंट में दो सिचुएशन होते हैं, और हाँ, अपने अपने सिचुएशन के अपने अपने रिजल्ट। अगर मैंने एक्सीड किया तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा कि मैं जीत गया, अगर मैं एक्सीड नहीं कर पाया तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा कि आप हार गए। तो स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपली एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं और सिचुएशन के अपने एक रिजल्ट होता है, उससे बनता है इफ स्टेटमेंट। तो मैं आपको जो एक्सेल पे करके दिखा रहा हूँ, हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, अगर उसके नंबर 40 से ऊपर है, ये क्या है सिचुएशन, 40 से ऊपर है तो क्या बन जाएगा, वो पास। तो इनको एक रिजल्ट मिला कि आप पास हो। लेकिन अगर आपका सिचुएशन 40 नंबर से बिलो है, आप 40 से नीचे आ जाते हो, तो आपको एक रिजल्ट मिला फेल। तो मुझे ये बनाना है इफ स्टेटमेंट के अंदर, इसे हम कहते हैं सिंपल इफ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स के नंबर ले लेते हैं, मैंने नंबर लिया मान लेते हैं 100 और इसे ड्रैग कर लेते हैं 90 से, ठीक है, मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब यहाँ मुझे चाहिए कि ये पास हुआ कि फेल हुआ, मुझे पता करना है सबके बारे में। ये एक स्टूडेंट है मान लेते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं सीरियल नंबर। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर दिए हुए हैं 1 to 10। मुझे 1 to 10 के पता करना है कि कौन सा रोल नंबर पास हुआ और कौन सा रोल नंबर फेल हो गया। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि हम लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से। बिना इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इक्वल टू, इक्वल टू लगाते ही एक्सेल समझ गया कि फॉर्मूला आने वाला है, मैथमेटिकल इक्वेशन होने वाली है। इक्वल टू ने कहा कि फॉर्मूला दो, मैंने कहा फॉर्मूला बहुत सारा है मेरे पास। उसने कहा कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको? मैंने कहा कि मुझे अभी फिलहाल इफ चाहिए। मैंने इफ लिखा तो इफ के नाम के दो फॉर्मूले हैं, इफ एंड इन्फीरियर। मैंने कहा नहीं, सिर्फ इफ चाहिए। तो आपको फॉर्मूले के अंदर जाना है, इफ के अंदर जाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाते ही आप इफ के अंदर आ गए। वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब वो आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट कि आखिर स्टेटमेंट क्या है, सिचुएशन क्या बनेगी उसके बाद। तो पहले वो बात कर रहा है स्टेटमेंट, उसके बाद बोलेगा सिचुएशन। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि मेरा नंबर, अब मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर 100 भी है, 90 भी है, 80 भी है, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 100, क्योंकि मुझे इन सब नंबर को चेक करने हैं, तो मुझे इन सब नंबर के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो मैंने नंबर ना लिख के एड्रेस दिया B1 कि मेरा नंबर। अब B1 के बाद B2 आ जाएगा, फिर B3, देन B4, देन B5। तो मैंने एक एड्रेस दे दिया कि एड्रेस में जो भी है वो नंबर मेरा नंबर। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, यही तो हमारा था स्टेटमेंट कि अगर मेरा नंबर 40 और 40 से ऊपर है तो मैं पास हो गया, 40 और 40 से नीचे है तो मैं फेल हो गया। तो मैंने कहा कि अगर मेरा नंबर 40 और 40 से ऊपर है, ग्रेटर देन है, तो जैसे आपने तो बोला, तो बोलते ही हम लगा देंगे कोमा। तो क्या करता है, चीज को तोड़ता है, अब वो अगली चीज के बारे में बात करेगा। मैंने बताया था आपको कोमा क्या काम करता है, कोमा ब्रेक काम करता है। तो वो ब्रेक करेगा चीजों को,
तो अभी हम स्टेटमेंट पे थे कि अगर मेरा नंबर 40 से ग्रेटर देन है, तो ये एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट खत्म हुई, तो आपको एक मिलने वाला है सिचुएशन, तो बोलती मैं लगा दिया कोमा, या मैं ये कहूँ कि एक एक काम खत्म होते ही अगले काम तक जाने के लिए हमने कोमा का यूज किया। अब वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, तो मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो वो पास हो गया। और जब आप टेक्स्ट लिखते हो, आपको आपका रिजल्ट टेक्स्ट में चाहिए, तो आपको इन्वर्टेड कोमा यूज करना होगा, अगर नंबर्स में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा कि मैं पास हो गया, तो अगर मेरा नंबर 40 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो बोलते ही कोमा, तो क्या होगा, मैं पास हो गया, नहीं तो बोलते ही मतलब मेरा एक काम खत्म हुआ और मैं अगले काम पे आया, नहीं हुआ तो कोमा लगाया, और मैंने कहा कि नहीं हुआ तो मैं हो गया फेल। फेल भी क्या है, टेक्स्ट, तो मैंने लिखा फेल। अब मैंने कहा कि काम तो खत्म हो गया, इफ स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, तो मैंने कहा कि इफ के अंदर जाने के लिए ब्रैकेट लगाई गई थी, इफ के बाहर आने के लिए ब्रैकेट बंद करनी होगी, तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ये हमारा बन गया इफ स्टेटमेंट। आप फिर से देखें एक बार मैंने कैसे यूज किया, इक्वल टू बिगिन करने के लिए, इफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर के लिए ब्रैकेट, उसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट, तो मैंने लिखा कि इफ माय नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन, देन के लिए मैंने यूज किया कॉमा, देन यूज करते ही मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो आई एम पास, अदरवाइज फिर लगा कॉमा फेल, ब्रैकेट क्लोज। ये होती है पूरी फॉर्मूला इफ की। एंटर लेते हैं, एंटर लेते मैं आ गया पास। इसे ड्रैग करेंगे क्योंकि ड्रैग करने का फायदा है, हमने फॉर्मूला यूज किया तो हम ड्रैग कर सकते हैं इजिली एकदम। मैंने ड्रैग किया और हमने देखा कि 40 तक तो मैं पास था, बाकी में फेल हो गया। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने नंबर यूज किए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से, मैंने यहाँ क्या यूज किया है कि अगर 40 से ऊपर हूँ तो पास, नहीं तो फेल। तो आपने टेक्स्ट लिखा इसलिए इन्वर्टेड कोमा है, लेकिन अगर मैं नंबर लिखता कि नहीं जो फेल हो रहे हैं उनको आप जीरो लिख के दिखाओ, तो जो फेल आ रहे होंगे ना उनके पास जीरो लिखा आ जाएगा, जो पास हो रहे हैं उनके पास पास लिखा आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो आंसर है वो न्यूमेरिक्स आए, नंबर्स में आए, तो आपको इन्वर्टेड कोमा का कोई यूज नहीं करना। मैं सिंपली एंटर करूंगा और फिर इसे ड्रैग करूंगा, तब जितने लोग फेल हो रहे हैं उनके पास जीरो लिखा आएगा। तो अगर आप नंबर्स को एज ए रिजल्ट दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे, तो कोई यूज नहीं करेंगे हम इन्वर्टेड कोमा का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट एज ए टेक्स्ट दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर, तो हमें इन्वर्टेड कोमा का यूज करना पड़ेगा। ये है बिल्कुल सिंपल इफ, इसमें हमने सीखा कि कैसे हम दिखा सकते हैं वैल्यू ऑफ इफ ट्रू, वैल्यू ऑफ इफ फॉल्स। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू मांगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले में आएगा इफ, इफ की ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद स्टेटमेंट कि इफ माय नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन, देन लगाते ही कोमा, तो आएगा ट्रू का आंसर, मैंने कहा पास, पास, अदरवाइज कोमा फॉल्स, इफ की ब्रैकेट क्लोज, हमारा फॉर्मूला खत्म। ये आपकी आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको राइट हैंड साइड रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करें, बेल आइकन को ऑल पे ले जाएं, जिससे आपको मिलेगी मेरी आने वाली वीडियो की रेगुलर अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।